ब्यावर जिले के जैतारण उपखंड क्षेत्र के आनंदपुर कालू में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ आनंदपुर कालू मुख्यालय पर सत्र 2023-24 के लिए स्काउट गाइड का अतिथि सौंपा अंजाज शिविर का आयोजन कार्यवाह प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर तनसुख राकावत द्वारा झंडारोहण से हुआ। स्थानीय संघ सचिव अम्बदास वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर संचालक बाबू मोहम्मद पवार के नेतृत्व में 7 विद्यालयों से 41 स्काउट शामिल होकर तृतीय सोपान की परीक्षा दी है। भरत दादीज के नेतृत्व में बिगनर्स कोर्स हेतु 4 स्काउट मास्टर शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। अम्बदास वैष्णव सचिव के नेतृत्व में 21 विद्यालयों से उपस्थित स्काउट मास्टर को OYMS पोर्टल पर स्काउट गाइड का डाटा ऑडिट करने का प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर जेटी कुंवरी चौहान तथा विष्णु कुमार वर्मा द्वारा कोटा मनी संग्रहण ग्रुप पंजीकरण तथा नियुक्ति पत्र भरवाने का कार्य करवाया गया। सुकाराम गुजर के नेतृत्व में कब बुलबुल उत्सव एवं जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मोतीलाल चौहान, मदन दान राव, नरप सिंह चारण, धनाराम मेघवाल, सदीक मोहम्मद, दिनेश चंद केरीवाल, महेंद्र ग्वाला, नरेश कुमार, राम प्रकाश परासरिया, धनाराम माली, मुकेश दादीज, कुशाल चंद, महमूद खान आदि के अलावा स्काउट गाइड उपस्थित रहे। जितने भी स्काउट ग्रुप है उन ग्रुप में स्काउट और यूनिट लीडर और स्कूल का जो है ऑनलाइन पंजीयन करना होता है, जिसमें प्रत्येक की आईडी जारी होती है। तो इसके लिए आज OYMS पोर्टल पर डाटा ऑडिट के लिए यहां आपका ये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर आज आपको स्थानीय संघ से आपके विद्यालय का ऑनलाइन और आईडी जारी करनी, इसी के साथ प्रत्येक यूनिट लीडर एक ग्रुप मतलब स्कूल के स्काउट प्रशिक्षित साथियों का स्थानीय संघ की ओर से हार्दिक आभार अभिनंदन। एक दिवसीय जो स्काउट बिगनर्स कोर्स होता है उस कोर्स में स्काउट से संबंधित जो बेसिक जानकारी होती है वो दी जाती है, जैसे इष्ट प्रार्थना है, ध्वज शिष्टाचार है, स्काउट गीत है, राष्ट्रगान है और नियम है, प्रतिज्ञा है। ये के अंदर आपको एक जो है जनवरी के बाद में अपनी लॉग बुक भरनी शुरू करनी है और लॉग बुक भरने के बाद के अंदर आपके तृतीय सोपान के जो ही सर्टिफिकेट आएंगे, तो सर्टिफिकेट आने के बाद के अंदर वो सर्टिफिकेट साथ लगेगा और राज्य पुरस्कार का आवेदन भरा जाएगा। उसके पहले राज्य पुरस्कार के एक ट्रेनिंग होगी 5 दिन, तो उस ट्रेनिंग में आप जो अटेंड करेंगे और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में फिर आप जो है इसी प्रकार का एक राज्य पुरस्कार का जांच शिविर होगा और उस जांच शिविर में आप जो है जब उपस्थित होंगे तो आप जो उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप राज्य पुरस्कार के हकदार हो जाएंगे और फिर उसी प्रकार